हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 7 का इंग्लिश बाल भारती लेसन 3.3 अ क्रो इन द हाउस। इस लेसन के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन आंसर्स लेकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए है, फाइंड एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी। एंटोनिम्स राइट डाउन करने हैं स्टोरी में से। सो ये सब मैंने यहाँ पे दे दिए है, राइट डाउन कर लो अच्छे से पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, नाउ ट्राई टू फाइंड आउट सिनोनिम्स वर्ड दैट मीन द सेम फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं उनके लिए सिनोनिम्स राइट डाउन कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिए हैं, ओके सभी अच्छे से राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट हाउ द अदर पेट्स इन हाउस कुड हैव ऑब्जेक्ट्स टू केस आर लिविंग इन देयर हाउस। सब ये है आंसर, पॉज करके राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रिपेयर अ टेबल टू शो केसर्स प्रैंक्स एट होम एंड आउटसाइड। सो ये है केसर्स प्रैंक्स एट होम, केसर्स प्रैंक्स आउटसाइड, ओके राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर फोर, रिलेट द लाइफ स्टोरी ऑफ केसर रीअरेंजिंग द फैक्ट्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में केसर की लाइफ स्टोरी के जो रिलेट दिए गए हैं उनको रीअरेंज करना है। देखो यहाँ पे मैंने रीअरेंज करके प्रॉपर सीक्वेंस में दे दिया है, राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर फाइव, रीराइट इन योर ओन वर्ड्स, आपके वर्ड्स में राइट डाउन कर लेना है वन इवेंट फ्रॉम द स्टोरी। सो ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, वन ऑफ द केसेस ट्रेट्स दैट मेक यू लाफ। सो ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, होल्ड अ डिबेट्स ऑन पेट्स और पेस्ट्स, ये है आंसर, पॉज करके राइट डाउन कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, डू यू हैव पेट एनिमल्स, राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट यूअर ओन और यूअर फ्रेंड्स पेट। ओके सो दिस इज अ स्टोरी। आफ्टर दैट यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी है, कॉम्प्लीमेंट, ओके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे मैंने सब लैंग्वेज स्टडी दे दी है, आपको एक बार रीड कर लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इयत्ता सातवीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।